स्टूडेंट्स, होप यू आर कीपिंग वेल। हम आज एक और अच्छा टॉपिक करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक भी हमारा छोटा सा एक आर्टिकल है अगेन इन वेक्टर्स, क्योंकि मैं अभी फिलहाल वही टॉपिक्स उठा रहा हूं जो कि आपको थोड़े टफ लगते हैं, जिनमें ज्यादा डिफिकल्टी आती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में और वेक्टर्स में ये टॉपिक आता है, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी का? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ली विद रेस्पेक्ट टू द अनदर रेफरेंस फ्रेम। एक और अब वर्ड आया कि रेफरेंस फ्रेम क्या है सर? तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब यह है कि हम जिसके रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस फ्रेम। अगर मैं किनारे पर खड़ा हूं और मैं नाव को देख रहा हूं तो मैं यही कहूंगा कि नाव चल रही है, लेकिन अगर मैं नाव में बैठा हूं और मैं किनारा देखूंगा तो मेरा स्टेटमेंट होगा कि नाव नहीं चल रही है, किनारा चल रहा है। हमको हम जब बताते हैं अपनी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे को सराउंडिंग्स को हमने क्या मान लिया, सराउंडिंग्स को हमने ले लिया रेफरेंस फ्रेम, जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी चीज को समझा रहे हैं। ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन, उसको लगता है कि सराउंडिंग पीछे जा रही है, पेड़ पीछे जा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं सरफेस पर लोग हैं वो क्या कहेंगे कि ट्रेन जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ये मान के चलें कि हम लोग एक मोशन को एक्सप्लेन करते हैं तो विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स एक्सप्लेन करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस फ्रेम एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहां पर ये चैप्टर जो है मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलूंगा। कैसे दो पार्ट्स में, मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन आता है इसके अंदर, अ बॉय इज गोइंग ऑन अ बाइसिकल विद सम स्पीड एंड रेन इज फॉलिंग। तो क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू बॉय। तो भाई बॉय के जाने और ना जाने से रेन पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रेन तो अपनी स्पीड से हमारे को हमारे रेस्पेक्ट में कैसे दिख रही है वो बात है। तो एक तो होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है अपीयरेंस। और अगर मैं कह रहा हूं कि रेन फॉल हो रही है और हवा चल रही है तो वो एक्चुअल इंपैक्ट है। दो वर्ड्स आए, एक है एक्चुअल इंपैक्ट और एक है सिर्फ हमारे को अपीयरेंस। तो अपीयरेंस और एक्चुअल इंपैक्ट में फर्क है, इसको हमको क्लियर करना। जैसे आप यूं समझें कि आपको जब पार निकलना है, नहर बहुत तेजी से बहुत स्पीड से जा रही है और आपको नदी को नहर को पार करना है विद द स्टीमर विद द बोट, तो आप जब ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं, पानी ऐसे जा रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट है वो आपको एक्चुअली इंपैक्ट डाल रहा है। अगर एक्चुअल इंपैक्ट है तो वो वाले क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से होंगे, ये बहुत क्लियर कर लीजिएगा। एक्चुअल इंपैक्ट, मैं इसको बार बार बोलूंगा, एक्चुअल इंपैक्ट है तो उसके इसमें क्या होगा, वो कैलकुलेशंस, वो मेथडोलॉजी टोटली डिफरेंट होगी। और एक केस आता है सिर्फ अपीयरेंस का। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट अपीयरेंस ओनली, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर, उसके लिए एक फार्मूला है, एक मंत्र है, उस मंत्र को बिल्कुल समझ लेते हैं ध्यान से। और वो क्या है? वो है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर एक वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालनी है, ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और वेक्टर्स में माइनस करने का मतलब ये नहीं है कि चार में से तीन माइनस हो गया और एक आ गया, नहीं भाई। वेक्टर्स में माइनस करने का मतलब है कि यू विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विच यू आर कैलकुलेटिंग। जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर लड़के के रेस्पेक्ट में आप रेन की स्पीड को देख रहे हैं तो लड़के की डायरेक्शन अपोजिट करके कैलकुलेशन निकालेंगे। जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही थी, मान लिया लड़के का ही केस ले लेते हैं, ऐसे जा रहा था और रेन फॉल हो रही है ऐसे, ये किसकी स्पीड है, रेन की। ये किसकी है, वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये वेलोसिटी ऑफ रेन।
तो हम क्या करेंगे, हमने जिसके रेस्पेक्ट में निकालना उसकी डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, माइनस वी बी। तो वी आर माइनस वी बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो भाई हमने क्या किया, हमने बी की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी और उसके बाद रिजल्टेंट निकाल दिया। वी ए इधर है माइनस वी बी और इनका रिजल्टेंट इधर को, इसको हमने क्या कह दिया, रिलेटिव वेलोसिटी। कैसे कैलकुलेशंस आएंगी एक एक करके समझते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, जैसे यही वाला केस था, यहां हमने क्या किया, वी ए माइनस वी बी किया, तो वी ए माइनस वी बी के लिए हमने कहा वी ए ऐसे, वी बी ये था ना, आपने माइनस वी बी ले लिया, आपने डायरेक्शन क्या ले ली, ऑपोजिट डायरेक्शन ले ली, माइनस वी बी इधर है, वी ए इधर है, व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ऑब्जेक्ट ए ऐसे, बी ऐसे जा रही थी और ए ऐसे जा रही थी, लेकिन बी को ए का अपीयरेंस ये दिख रहा, बी को ए का अपीयरेंस ये दिख रहा, यही तो अपीयरेंस की बात है। इस चीज को और अच्छे से क्लियर करते हैं। मान लीजिए दो रोड्स हैं, हमारे पास में दो रोड्स हैं ऐसे, और यहां पर एक कार जा रही है, कार को नाम दे दिया आपने ए, एक कार जा रही है, कार का नाम है बी, और आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ए क्या कहेगा, ए जब बी को जाते हुए देखेगा तो ए कहेगा कि बी ऐसे नहीं जा रहा, उसके लिए ये अपीयरेंस है। अब ये अपीयरेंस कैसे निकालूं मैं, ये अपीयरेंस निकालने के लिए अगर मुझे विद रेस्पेक्ट टू ए लेना है तो माइनस किसकी हो जाएगी, वेलोसिटी वी ए, और ये कौन हो गया, वी बी, माइनस वी ए वी बी, रिजल्टेंट इज दिस, डायरेक्शन ऑपोजिट करनी होगी जब आपको अपीयरेंस लेना है। आपके साथ ऐसा हुआ, आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि मेरी ट्रेन कब चलेगी, और हुआ क्या कि आपको एकदम से दिखाई दिया कि साथ वाली ट्रेन में मूवमेंट हो रही है, तो आपको लगा नहीं हमारी ट्रेन चल गई, हमारी ट्रेन चल गई, उतने आपने देखते रहे, आप खुश होते रहे हमारी ट्रेन चली, लेकिन आपने दूसरी तरफ नहीं देखा और आपको पता लगा आप वहीं रह गए, आपके साथ वाली ट्रेन निकल गई। आपको थोड़ी देर के लिए इल्यूजन क्या रहा, 2-3 सेकंड के लिए कि मेरी ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन जब आप सराउंडिंग्स देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, अपीयरेंस से नहीं होगा ना, तो ये अपीयरेंस का गेस है, अपीयरेंस का गेस रिलेटिव वेलोसिटी जो है कि एक्चुअल में वेलोसिटी इधर है लेकिन अपीयरेंस इधर हो रहा है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, सैटेलाइट्स का केस। If a satellite is moving in the equatorial plane with a velocity Vs and a point on the surface of Earth with a velocity Ve to the center of the Earth, relative velocity of satellite will be the velocity of satellite minus velocity of Earth. आप velocity minus करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, ये मैं फिर से समझा दूं आपको, क्या कि ये जो minus करना है, ये वाला minus करना किस कैसा है, ये वाला जो सब्ट्रैक्शन है ना बच्चे, ये सब्ट्रैक्शन एक्चुअल आप सिंपल अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ इज इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी बोल रहा हूं, स्पीड नहीं बोल रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ एस माइनस वेलोसिटी ऑफ ई। अभी क्वेश्चंस पर आएंगे, इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हम आ गए जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे भैया, इस चीज को समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि रेन का दिखना और रेन का गिरना ये दोनों अलग अलग केसेस हैं। कार की जब आप विंडशील्ड देखते हैं तो सामने जो आपको रेन दिखाई देती है वो ऐसे दिखाई देती है, आप कार रोक लेंगे ना तो रेन आपके ऊपर ऐसे गिर रही है सीधी, लेकिन जब आपकी कार चल रही होती है उस टाइम आपको रेन कैसे दिखती, ऐसे। यहां ये केस क्या है, देखिए ये वाला केस, ये एक्चुअल में रेन ऐसे गिर रही है, फिर आपने अपना छाता ऐसे क्यों किया। यह चीज और बताऊं, आपका एक मिसकंसेप्शन तोड़ूं, मान लीजिए यह हमारी डायरेक्शन है ठीक है, और यह रेन की डायरेक्शन है, ये दो केसेस थे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकालूं मैं, ये रेन की डायरेक्शन है
और ये मेरी डायरेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर है। तो अगर मैं रिजल्टेंट ऐसे निकालता हूं तो डायरेक्ट निकाल दूं रिजल्टेंट। कई बच्चे यही गलती करते हैं, सर ये तो ऐसे आ रहा, इसका मतलब तो आपने छाता ऐसे पकड़ा, पकड़ लो, भीगोगे ना। सोचो आप स्कूटी पे हैं, एक्टिवा पे हैं, और आपने अपना छाता पीछे रखा हुआ, तो पूरे भीगोगे भाई। बचने के लिए आप क्या करोगे आगे? तो फिर कैलकुलेशन होगी कैसे सर? कैलकुलेशन का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तरीका क्या है जरा समझिएगा, कि जिसके रेस्पेक्ट में आपने वेलोसिटी निकालनी, अपने रेस्पेक्ट में ना, ये रेनफॉल हो रही थी, ये स्कूटी जा रही थी, स्कूटी की डायरेक्शन आपने ऑपोजिट कर दी, माइनस वीएस, माइनस वीएस, बहुत बार बार बोल रहा हूं इस चीज को क्लियर करिएगा, माइनस वीएस, और जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू, और आपने छाता इसी तरफ पकड़ा। ये श्रीमान जी भी कैसे पकड़ के चल रहे हैं, रेन ऐसे गिर रही है, ये ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन रिजल्टेंट के लिए अपने रेस्पेक्ट में आपने क्या किया, माइनस वीएम, ये मैन की वेलोसिटी थी, ये माइनस वीएम थी, ये रेन की थी, और ये देख लो भाई, ये आपने छाता पकड़े, अब आप भाग रहे हैं। ये केस है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसको आप माइनस कर देंगे। और आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, फिर से वही केस, ये आ गए श्रीमान जी, अब दोबारा से वही केस आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, लेकिन इस केस के अंदर आपने डायरेक्शन, देखो बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है इस विजुअल के अंदर, अगर आपने समझने की चाह है, समझना चाहते हैं टॉपिक को, परेशान मत होइए, जो टॉपिक आपको लगता है ना बहुत टफ है, आप क्लास अटेंड कीजिए, पूरी क्लास देखिए लास्ट तक, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, और अगर लंबी हो भी तो अच्छे से समझ लीजिए, एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आज ही क्लियर करना है इसको। अभी कैसे, देखिए आपके पास रेन का केस क्या आ रहा है ये, और मैन क्या, रेन, रेन तो ऐसे गिर रही है, अगर मैन रुका हुआ है फिर तो रेन ऐसे गिर रही है, बट ही इज मूविंग, ये मूव कर रहा है, ये मैन की वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी है। अब हम क्या करेंगे, हमको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, मैन की डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर दिया, ये हमको करना पड़ेगा, और ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ गया, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ गया ये, और रिजल्टेंट भी नहीं बोलेंगे हम, इसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन। आई थिंक आपको यह समझ आ रहा है, अगर कुछ कंफ्यूजन भी लगता है प्लीज आप मैसेज कीजिए, आप हमारा नंबर ले सकते हैं, नंबर यहां लिखा, व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, जल्दी मिले लेट मिले लेकिन आपको मैं रिप्लाई करूंगा। और दूसरी चीज, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, देख यार मैंने मानस सर से समझ लिया कि ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल क्या है, ये हमारे पास में एक सिंपल सा कंसेप्ट है, कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर देना है और उसके बाद ऐड कर देना है, माइनस की तो बात ही नहीं कर रहा, माइनस होता ही नहीं वेक्टर, वेक्टर का माइनस नहीं करते हम लोग, क्या करते हैं हम डायरेक्शन बदल के ऐड करते हैं, है वही माइनस ही है, लेकिन हम क्या लिखेंगे, एक ही जिसकी डायरेक्ट, जिसको आपने ऐड करना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी डायरेक्शन को आपने अपोजिट कर दिया, फिर ऐड करके रिजल्टेंट निकाला, तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ गए। एक और केस इसी में और समझते हैं, एक चीज और आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि डायरेक्शन, सर कैलकुलेशन तो यही है, देखो सर आप हमारे को बोल रहे हो कि डायरेक्शन बदलनी, बिल्कुल, लेकिन जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे उस केस में आपने क्या किया, जब आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, माइनस वीएम का स्क्वायर हो जाएगा, वीआर का स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वीआर का स्क्वायर प्लस वीएम का स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे निकाले, डायरेक्शन जो आपने निकाली फ्रॉम वर्टिकल, बेटा दो केस आते हैं इसमें भी, ध्यान से समझ लेना, आप ऐसे बेवकूफों वाले काम कर जाते हो, सर मेरा आंसर नहीं आ रहा, कई बच्चों का होता है सर मेरा आंसर नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहे मुझसे, हो नहीं रहे या तुम ढंग से कर नहीं रहे, तुम्हारे पास दो च्वाइस है, आप फाई ले सकते हो, थीटा ले सकते हो, अगर आप थीटा ले रहे हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्या मेंशन करना पड़ेगा बोल दो भाई, आपको मेंशन करना पड़ेगा विद वर्टिकल,
ही इज होल्डिंग द अम्ब्रेला विद वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, ये अम्ब्रेला, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल मुझको दिखाना है कि वर्टिकल लाइन ये है, ये मेरा डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, दैट इज थीटा। बट इफ यू वांट टू शो इट फ्रॉम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड का लेवल है और ये आपका एंगल है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एंगल दिखा रहे हैं वो फाई है। अगर आप दो बच्चे आपस में लड़ जाते, मेरा तो यही आ रहा, मेरा तूने गलत किया हो, भाई दोनों ने ठीक किया, दोनों को नंबर मिलेंगे, बशर्ते कंसिडर क्या करना है, कंडीशन क्या है, एक ही कंडीशन है बेटा कि आपको लिखना पड़ेगा विद हॉरिजॉन्टल विद वर्टिकल। जब न्यूमेरिकल आए ध्यान से पढ़ो, कभी कभी ना पढ़ने से भी अगर 100 क्वेश्चन है तो 4 या 5 क्वेश्चन देखा गया है कि बच्चे गलत कर देते हैं, मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, एकदम नंबर आएंगे, पूरे नंबर आएंगे मम्मी, और मम्मी क्या बोलती है कि बेटा मार्क्स बताएंगे, और होता भी यही है, वापस आकर के फिर पता लगता है कि आए आपने 95, 5 तो वहीं खराब कर दिए, 4 या 5 क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, कोई भी हो ये प्रॉब्लम सबके साथ है। चले भाई नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब आ गया केस कि रेनड्रॉप वाला केस, मैन वॉक कर रहा है, चलो साइकिल पे नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन आप ही के लोगों के लिए है और बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। मैन इज वॉकिंग ऑन द लेवल रोड और उसके बाद क्या कहता है, एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मैन की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर आ रही है। अच्छा उसके बाद ये वेलोसिटी ऑफ मैन है और 3 किलोमीटर पर आवर है, वैसे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी। उसके बाद रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई 4। अब आप बताना साथ साथ, जिसका हो जाए तुरंत मैसेज कर देना मुझे, अभी के अभी मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा आपका मैसेज। वेलोसिटी 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रेस्पेक्ट टू मैन, उल्टा नहीं पढ़ा, उल्टा भी पढ़ सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रेन, बच्चे उल्टा ही पढ़ते हैं, बहुत मिलते हैं मुझे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रेन, तो भैया रेन मैन पे फॉल हो रही है, मैन रेन पे नहीं फॉल हो रहा, समझ मैन को है रेन को नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, विद रेस्पेक्ट टू मैन, ऐसा मत करना वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रेन, कई ये भी करके आते हैं, मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा बच्चे लेकिन बता रहा हूं कि ये गलतियां बच्चे आप लोग करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, अब जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसकी डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट, वेलोसिटी ऑफ ये कितनी आ गई मेरे पास में, मैन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली कितनी आ रही थी माइनस वीएम मैन की, ये थी 3 किलोमीटर पर आवर, रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे पास में 5 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, 5 कैसे किया मनीष सर आपने, 3² + 4² का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल दिया, अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था कितना आ गया, ये तो पाइथागोरन आइडेंटिटीज हैं, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया, tan phi की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan phi आएगा वर्टिकल, वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल कितना है 3/4, यू कैन कैलकुलेट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ phi।